अंदर आई, हमारे क्षेत्र के बाहर बाहर से गुजरती थी। पहली बार शिव विहार तक मेट्रो आई तो जहां पहले मेट्रो में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी दिल्ली में वो स्वयं अटल जी बैठ के गए थे, हमारे क्षेत्र में आई तो मुझे संयोग मिला कि पहले मेट्रो जब शिव विहार तक जा रही थी तो हम और हमारे साथी जो यहाँ आज उपस्थित थे वो सब बैठे थे। एक तीसरा भी ऐसा विषय है जो पहली बार हुआ, आप सबको जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा में पहली बार सड़क के ऊपर सड़क और उसके ऊपर मेट्रो चलेगी, ऐसी व्यवस्था नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से हुआ है। अगर कोई हमारे दिल्ली में, हमारे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जाता होगा, जब वो सिग्नेचर ब्रिज पार करके भजनपुरा के जाम में फंसता है, उसको समाप्त करने के लिए हम लोगों ने, हमारे हरदीप पुरी जी, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक डबल डेकर रोड बना करके पूरे यूपी बॉर्डर तक जीरो सिग्नल करने के कगार पे है। मैक्सिमम 8 से 10 महीने में इस कार्य को देंगे। हमारी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आदरणीय विजय भाई साहब, हमारे अध्यक्ष जी तो उसी क्षेत्र के वासी भी है, अलका दीदी जाती रहती है, हमारे क्षेत्र में जाने से पत्रकार लोगों के भी पसीने छूटने लगते हैं जब सुनते हैं कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाना होता है। लेकिन आज मैं गर्व से कह सकता हूं 9 वर्षों में कि अब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जाना सबसे आसान है। सिग्नेचर ब्रिज की मांग को पूरा करके दिया और अभी तो एलिवेटेड रोड, नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक ऐसा एलिवेटेड रोड बना रहे हैं जो हमारे क्षेत्र के प्रत्येक घर का, उनका जो वैल्यू था उसको 3 गुना ज्यादा बढ़ा चुका है। पहली बार हमारे क्षेत्र में ही यमुना जी के किनारे रिवर फ्रंट बन रहा है, 10-10 झील, लोगों के टहलने के लिए पाथवे, ये सारी चीजें तभी होती है जब देश का जो प्रधान सेवक है उनका हर लोकसभा से कनेक्टेड सारी बातें अच्छी हो। तो इन सारी चीजों के साथ साथ हमने जैसा आपको दिखाया है, पहली बार भूमिगत जलाशय भी बनाया हमने। हमारे दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या है पानी, साफ पानी, उसको दूर करने के लिए दिल्ली की सरकार ने तो कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन हमने केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय से पहला भूमिगत जलाशय बना के दिया है। तो इन सारी चीजों को आप सबके समक्ष हमने रखा है और पूरे देश में उसको जोड़ करके आज आदरणीय विजय रूपानी जी आपके सामने अपनी बात रखेंगे।